को सारे बुक्स जो नीट के लिए ज़रूरी है, और इससे ये श्योर हो जाता है कि नीट में पहली बात तो बहुत सारी बुक्स की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं उन्हीं से पढ़ो तो सिलेक्शन पक्का हो जाता है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। अगर आपको बहुत सालों बाद नीट निकालनी तो बात अलग है, बाकी अगर आपने सोच ले रखा है कि 11th 12th में पढ़ लिया, अगले साल नीट कर देनी है या फिर एक ड्रॉप लिया है तो कर देनी है, तो उसके लिए तो टाइम लिमिटेड है तो बुक्स भी लिमिटेड होनी चाहिए। अब मैं आपको कैसे बताऊंगी, मैं पहले बायोलॉजी की बता दूंगी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स, और पहले बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए और फिर कौन सी बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं बता दूं कि मैंने एलन का मटेरियल फॉलो किया था, तो उस हिसाब से कोचिंग का मटेरियल नीट के लिए कितना रेलिवेंट लगा था मुझे, तो वैसे भी मैं बता दूँगी। मैं पहले बात करती हूँ कि बायोलॉजी में आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। ऑफकोर्स सबको पता रहता है कि एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ना चाहिए, इवन दो मैं कोचिंग के मटेरियल का कुछ नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे वो इतना सही नहीं लगा। मतलब उसमें ये बात है कि अच्छे से समझाया गया था, बट ध्यान से देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक ही ज़रूरी है, इधर उधर से कोई बीडी चौहान वगैरह कुछ नहीं, वो एमबीबीएस की किताब है। आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो, वही बेस्ट है, वहीं से पेपर आता है। प्रैक्टिस करने की बात करूँ तो कोचिंग मटेरियल से प्रैक्टिस करा, वो मुझे इतना खास नहीं लगा क्योंकि उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन दिए थे वो वैसे ही क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी से बाहर के भी क्वेश्चन थे, तो आप वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो एनसीईआरटी के लायक है, मतलब एनसीईआरटी से ही फ्रेम करो। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एनसीईआरटी रीबूस्टर करके एक बुक है जो डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने लिखी है, तो इसमें एनसीईआरटी के से ही बेस्ड क्वेश्चन बने हुए हैं। बाकी अगर आपको एनसीईआरटी के कहीं से भी क्वेश्चन मिलते हैं कि मतलब वो एनसीईआरटी के ही हों, इधर उधर के ना हों, तो आप वो बुक भी ले सकते हो। फिर बात करूँ अगर मैं केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक में आपके लिए पढ़ना किधर से ज़रूरी है वो है एनसीईआरटी बुक, और कोचिंग मटेरियल क्योंकि वहाँ पे आपको जो सर लोग होंगे वो अच्छे से मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे जिससे याद करने में सहूलियत रहती है, तो एनसीईआरटी बुक को आप साथ में रखें और मतलब पढ़ें जब, और कोचिंग मटेरियल को पढ़ें। बाकी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात है तो जितने हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और इसके लिए भी कोचिंग मटेरियल सफिशिएंट है। मैं एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस की इतनी बात नहीं करूँगी क्योंकि इतना वो तो ज़रूरत नहीं लगी थी मुझे, कोचिंग मटेरियल के क्वेश्चन बहुत थे। फिर बात करूँ अगर मैं इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बुक बहुत सफिशिएंट है क्योंकि इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऐसा लगता क्या है ही कि वो फैक्ट है। अब फैक्ट में कोई रीज़न नहीं ढूंढ सकता, तो फैक्ट है तो फैक्ट है, तो इसलिए आपको इनऑर्गेनिक में तो केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। और बुक कौन सी सॉल्व करनी चाहिए तो वो मैं कहूँ तो एमटीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो इनऑर्गेनिक में भले ही फैक्ट्स हैं पर ऐसा नहीं है कि हर साल वो आपसे कुछ नए फैक्ट पूछ लेगा, बहुत बार बहुत क्या बहुत ज़्यादा बार पिछले साल के जो फैक्ट होते हैं वो रिपीट कर दिए जाते हैं, और अगर कुछ नया सा भी कुछ निकालेंगे तो भी वो एनसीईआरटी से ही निकालते हैं, तो इधर उधर ज़्यादा देखने से बजाय है कि आप एमटीसी करें वो भी पीवाईक्यूज वाली। फिर मैं कोचिंग मटेरियल बताऊँ तो मुझे इतना खास नहीं लगा क्योंकि अब क्वेश्चन शायद नहीं आते पहले जैसे आते थे, फिर भी एक हद तक अच्छा है। फिज़िकल केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो मैंने जो भी पढ़ा है उसमें एनसीईआरटी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, पूरा मतलब कोचिंग में जो पढ़ाया और वहीं के जो मॉड्यूल्स थे उन्हीं को सॉल्व किया, तो उससे फिज़िकल केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी, मतलब वो सबसे ईजी चीज़ होती है सॉल्व करने के लिए। तो कोचिंग मटेरियल बहुत है सॉल्व करने के लिए, भी कोचिंग का मटेरियल बहुत है। एनसीईआरटी को मैं इसमें खास नहीं बोलूँगी कि आप एनसीईआरटी को अलग से पढ़ो। अब फिज़िक्स की मैं बात करूँ तो मैंने जो जितना पढ़ा था तो उसके लिए पहली बात तो थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो जितना सर बता रहे हैं वो बहुत अच्छा बताएंगे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलाज वगैरह
पर आपको ऐसा भी होता है कि कई बार हुआ भी है हमारे साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि बहुत सारे फॉर्मूलाज एक्स्ट्रा थे, एक्स्ट्रा इन द सेंस एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं थे। और ये भी सही है कि टॉपिक वही वाले आते हैं जो एनसीईआरटी के सिलेबस में होते हैं। सो आपको ऐसा लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फॉर्मूले हो रहे हैं या एक्स्ट्रा कुछ हो रहा है, तो उसे छोड़ दो। बाकी कोचिंग का मटेरियल ही बहुत है। एनसीईआरटी के लिए मैं खास इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी कि फिज़िक्स में एनसीईआरटी नहीं करी तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मॉड्यूल तो मतलब ऐसे थे कि सारी तरीके के क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, इसलिए कोचिंग का मटेरियल बहुत है। इसके लिए अलग से कोई बुक बिल्कुल मत करो, मतलब डीसी पांडे वगैरह या कोई सी और बुक्स रहती है एचसी वर्मा, मैं ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपने मटेरियल को अच्छे से फॉलो कर लिया, मतलब क्वेश्चन एक बार तो अपन सब लगा ही लेते हैं, दूसरी बार में क्यों आलस करती हूँ। ज़रूरी थोड़ी नहीं दूसरी बार में भी सही टाइम पर बन जाए, उसकी एक बार और प्रैक्टिस करो जैसे मैथ्स में करते थे। अब यहाँ अपने को फिज़िक्स में नीट निकालनी है, जी एडवांस वगैरह नहीं निकालनी है कि आप एचसी वर्मा वगैरह करो। अब सिलेक्शन अगर इतने लिमिटेड टाइम में लेना है तो जितना कंटेंट होना चाहिए, टाइम भी तो लिमिटेड है, तो वो इतना करो। कोचिंग के मटेरियल की बुक सॉल्व कर लो बहुत है, और एमटीजी कर लो। वैसे तो मटेरियल में वो चीज़ फॉलो हो जाती है, बट सारे सब्जेक्ट की एक बार एमटीजी देख लो तो उससे ये रहता है कि ये अंदाज़ा हो जाता है कि पहले कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब बायोलॉजी की बातें करें तो जो मटेरियल था कोचिंग का वो इसी बेस पे है अभी तक कि पहले जैसे क्वेश्चन आते थे। इन द सेंस जो AIPMT होती थी बायो में, उसमें बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आते थे, मतलब फर्स्ट ईयर MBBS तक के आ जाते थे, इसलिए मटेरियल भी उसी तरीके का बना हुआ है। पर अब इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इनने बायो का जो सिलेबस का तरीका है पूछने का वो NCERT तक सीमित कर दिया है। और पहले फिज़िक्स बहुत ईजी आती थी, तो उसको थोड़ा अच्छे लेवल पे लेके आए हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, पढ़ो तो कुछ भी टफ नहीं है वैसे तो उसको टफ नहीं करा है उनने, थोड़ा सा उसका लेवल अच्छा कर दिया है, केमिस्ट्री वगैरह के लेवल अच्छे कर दिए। तो बात इस पे ध्यान देना है कि अपने को NCERT के आसपास ही घूमना है, और इधर उधर ज़्यादा बुक्स नहीं करनी है। मतलब पूरा एक बंडल बना दो, और उसे देख देख के डर लगता है कि यार इतना कब करेंगे। इतना सब करने की ज़रूरी नहीं है, एक सही कोचिंग मटेरियल लो जो अच्छा पढ़ाता हो वगैरह। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाई, बहुत अलग अलग, बहुत ऊंचे इंस्टीट्यूट के लो। कोचिंग से मतलब नहीं है अपने को, सिलेक्शन से मतलब है। सो बेटर यही होगा कि आप अच्छा मटेरियल लो और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाओ जो नीट से रिलेवेंट हो। ऐसे हाई फाई क्वेश्चन मत लगाओ जो JEE एडवांस वगैरह के हो। सो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ मैं। थैंक यू।